और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह का विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सभी आतंकी एक ही समुदाय के आखिर क्यों हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बिहार में बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का ये विवादित बयान आया है। हम आपको बता दें कि चुनाव के दौरान भी दो बार इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका था, तीन अलग अलग जगहों पे। आपको बता दें बिहार के तीन अलग अलग जगहों पे इनके बयान पर FIR भी दर्ज हुआ था। और उसके बाद एक और विवादास्पद बयान आया है, पाकिस्तान परस्त रोक रहे हैं मोदी को, ये कहना है गिरिराज सिंह का। सभी आतंकी एक ही समुदाय से क्यों? तो इस वक्त की बड़ी खबर, गिरिराज सिंह का विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान परस्त रोक रहे हैं मोदी को। कुछ ऐसा ही बयान दिया था चुनावी भाषणों के अपने दौरान, चुनावी रैलियां जब चल रही थी बिहार में, तो वहां पर गिरिराज सिंह ने एक जगह कहा था कि जो लोग मोदी को समर्थन नहीं करते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बात कही थी गिरिराज सिंह ने, जिसके बाद तीन FIR दर्ज हुआ था अलग अलग जगह पे। बोकारो में, झारखंड में अलग हुआ था, बिहार में अलग अलग जगहों पर, देवघर में FIR दर्ज हुआ था। और अब फिर एक बार विवादित बयान सामने आया, क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। देश में जितने आतंकवादी गतिविधि में लोग पकड़े जा रहे हैं वो एक समुदाय से जुड़े हैं। मैं नहीं कहता कि उस समुदाय के सारे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन पकड़े जाने वाला सभी व्यक्ति एक समुदाय से है। क्या धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज देश के सामने ये धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने का अवसर है। एग्जिट पोल ने साबित कर दिया है कि छदम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोगों को केंद्र पर एक तमाचा है एग्जिट पोल।